हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट हमारे पास में है वर्किंग विद अ पोएम। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में पोइट ने पूछा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोइट कहता है कि ब्यूटी को आप सुन सकते हो, ठीक है। तो क्या आप रियली ब्यूटी को सुन सकते हो, और ऐसे साउंड्स आप ऐड करो जिनके बारे में आप सोचते हो कि वो ब्यूटीफुल हैं, जैसे पोइट ने इस पोएम में सोचा है कि उसको वो साउंड्स ब्यूटीफुल लगती हैं। यहाँ पे पोइट कीट्स जो है वो कहते हैं कि हर्ड मेलेडीज़ आर स्वीट, मतलब कुछ आवाज़ें जो हम सुनते हैं वो बहुत स्वीट होती हैं और कुछ अनसुनी आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा स्वीटर होती हैं। सो आपको क्या लगता है इस चीज़ से, वो आपने बताना है। और क्या कभी आपने ऐसी ऐसा आपके साथ में एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने एक बार सॉन्ग सुना और फिर थोड़ी देर बाद आपको वही सॉन्ग दिमाग में चल रहा है, आप गुनगुना रहे हो, आपके दिल तक पहुंच रहा है, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे पोइट ने पूछा है, तो यहाँ पे आंसर है कि वी डू हेयर ब्यूटिफुल साउंड्स, हम ब्यूटीफुल साउंड सुनते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, जब एक गिटारिस्ट गिटार प्ले करता है, कुको गाना गाता है, या जब रेन ड्रॉप्स फॉल होती हैं, या फिर मंद धीमी सॉफ्ट हवा चलती है, तो हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हर्ड मेलेडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमेजिनेशन है ना, वो बियॉन्ड होता है हमारी रियलिटी, हमारी थिंकिंग से, हम जो रियल है उससे कहीं आगे जा कर के हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो हर्ड मेलेडीज़ क्या हो गई, जो आसपास की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अनहर्ड मेलेडीज़ क्या हो गई, जो आवाज़ें हमें उस टाइम पे नहीं सुनाई दे रही हैं, हमारे आसपास नहीं सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहे हैं और हमारे दिल तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे साउंड्स भी बहुत ज़्यादा स्वीटर एंड क्लोज़र होते हैं हमारे दिल के। तो नेक्स्ट लास्ट में जो क्वेश्चन पॉइंट ने पूछा था उसमें आंसर ये है कि येस, मैंने भी बहुत सारे सॉन्ग्स सुने हैं मेरे हेड में लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग्स वॉज प्ले संग और प्लेड। कोई गाना चला या किसी ने प्ले किया, किसी ने गाया, तो थोड़ी टाइम बाद वो गाना मेरे दिमाग में चलने लगता है। तो दोज आर माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, और मोस्टली हर इंसान के दिमाग में बार बार वही सॉन्ग्स हम गुनगुनाते हैं जो कि हमारे फेवरेट होते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोम अगेन, मतलब आपने पहला और दूसरा स्टैंजा फिर से पढ़ना है और आपने नीचे दिए गए फ्रेजेस को ध्यान में रखना है, जैसे कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वॉकिंग और डांसिंग, विंड सिंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग। दिस कुड बी रिटन एज, इनको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, पीपल हु आर वॉकिंग और डांसिंग। तो कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस ऑल्सो? सो Why do you think the poet uses the shorter phrases? So see here, are some more examples as a short phrases ke, this is stream flowing, wind blowing, children laughing, mob shouting, etc. So I think the poet uses the, यहाँ पे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ poet ने shorter phrases use किए हैं musical rhythm देने के लिए to the poetic lines. So now we have थर्ड क्वेश्चन जो आपने अपने आप करना है, क्या है कि आपने ब्यूटीफुल चीज़ों की पिक्चर्स फाइंड आउट करनी है जो आप देख सकते हो, जिनको आप सुन सकते हो, एंड यू हैव टू पेस्ट देम। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है ब्यूटी के बारे में, खुद के आइडियाज़ आपने यूज़ करने हैं अलॉन्ग विद आइडियाज़ इन द पोएम, जो पोएम में दिए गए हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो आप उनके साथ ही। सो ब्यूटी इज़ लाई, ब्यूटी जो होती है वो लाई करती है इन द आइज ऑफ द बी होल्डर, तो इंसान उस चीज़ को देख रहा है, महसूस कर रहा है, सुन रहा है, उसके आइज़ में, उसके दिमाग में ब्यूटी लाई करती है। सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू टू इट्स कोर, येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्यूटी इज़ हाउ यू परसीव थिंग्स, हर चीज़ में सुंदरता कैसे आती है, आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो, उसके बेसिस पे ही वो चीज़ आपको ब्यूटीफुल लगेगी। सो एवरीथिंग इन नेचर इज़ ब्यूटीफुल, नेचर में तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सारे इंसेक्ट्स, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमन, माउंटेन, रिवर, रेन, सॉयल, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज, अपने वेज में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु सीज इट,
ये चीज़ उस इंसान पे डिपेंड करती है जो इंसान उस चीज़ को देख रहा है, महसूस कर रहा है, वेदर और ही और शी कंसीडर इट टू बी फुल ऑफ ब्यूटी और नॉट, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को ब्यूटीफुल कंसीडर करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो आपको वो चीज़ ब्यूटीफुल लगेगी, अगर नहीं करते हो तो आपको ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। सो ये तो क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।